बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यूट्यूब पर चैनल फिजिक्स मैथ हाउस नाजरीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि ये अफरा तफरी का दौर है, हर इंसान जो है वो चाहता है कि उसे सुकून हासिल हो, लेकिन ये सुकून की लज्जत किसी सूरत हमें मयसर नहीं है। तो मैंने एक नज़म जिसका अनुमान है लज्जत सुकून, तो आपको जब ये नज़म मैं पढूंगा और आप इसको सुनेंगे और इस पर गौर करेंगे तो देखना है कि ये सुकून कहाँ है और कहाँ से सुकून हमें मयसर होगा। तो नज़म का अनुमान है लज्जते सुकून। अब देखें कि ये हम जो कोठी, ये बंगले, ये कारें, क्या इनमें सुकून है? तो ये सारा नक्शा जो है ना मैंने पेश किया है। तो उनवान है लज्जते सुकून। जहन्नम से लाके ईंटें मकान बना लिया, जहन्नम से लाके ईंटें मकान बना लिया, जरूरत ही से ज्यादा उसको सजा लिया, सुई गैस बिजली इस्त्री गीजर हीटर आलात सब ये दोजख चल रहा है मीटर, आया जो बिल सुकून वो सारा ही ले गया, सात कुर्ब व इब्तला की दौलत भी दे गया, अंदर लगी जो आग कैसे फिर होगी कम, बीमारियों ने घेरा उसका भी है तो गम, आराम ही की खातर रखी हुई है गाड़ी, कुछ रगड़ खा गई थी ड्राइवर जो था अनाड़ी, अंदर ही अंदर आग सीने में जल रही है, किसी को क्या मालूम कैसे ये चल रही है, कुछ रिश्तेदार साथी होते भी हैं अजीब, मांगते हैं गाड़ी होते जो हैं गरीब, रहती है घर में कुछ दिन ऐसे ही तकरार, पेट्रोल और टूल टैक्स हमने दिया हर बार, मौसम गुजर गया अब गर्मी भी आ गई, थोड़ी सी तबीयत में कुछ नरमी सी आ गई, थे हसास भी ज्यादा और नाजुक मजाज इतने, एक नहीं घर में अफराद जो भी जितने, रात दिन एसी और फ्रिज की बहारें, हर एक की अपनी घात अपनी अपनी गारें, कहते हैं इस दफा बिल ज्यादा ही आ गया, आधी तनख्वाह हमारी बिल ही तो खा गया, कैसा सुकून फिर ये कैसा आराम है, हर रोज ही यहाँ पे जीना हराम है, दोजख घर है भाई आरामगा नहीं, इत्मनान और सुकून की जोलानगा नहीं, दरिया किनारे कुटिया बनाकर जरा तो देख, ठंडी हवा के झोंके बिस्तर लगा तो देख, बुलबुल का राग कोयल की कुकू जरा तो देख, खुशियों से फिर ये कैसे दामन भरा तो देख, आए ना कोई बिल होगा ना कुछ भी गम, ना बाल बच्चे बीवी अपना ही सिर्फ दम, पीछे की आस छोड़ आगे की फिक्र कर, मालिक से लौ लगा उसका ही जिक्र कर, लज्जत सुकून होगी किसी का गम ना होगा, गुम होगी अपनी हस्ती फिर मैं और हम ना होगा, उजड़ेगी जब जे बस्ती होगा खुशहाल तब, सोता सुकून से ताजर बिकता है माल जब, मन में ये ख्वाहिशों की दुकान सजा के रखना, फिर गम ही गम मिलेंगे पूरा ना होगा सपना, दामन में ख्वाहिशों की समेटे हुए ये आग है, इसी का नाम दोजख कल भी और आज, है सुकून फकर की दौलत जिसके भी हाथ आए, दामन में भर के खुशियाँ चाहे जिस समत भी जाए,
दरवेश से जो पूछा बताओ सुकून क्या है, बोले कि जाग का रंग न सफेद ना स्याह है। एक नुक्ते में बताया सुकून का समान उसने, एक जुमले में ही कर दी मुश्किल आसान उसने। समझेगा कोई कैसे जिसको लगी हो मर्ज, सुकून के तालबों को रंगों से क्या गरज। ये बहरूप रूप रंग करते हैं कितने तंग, ये सारी खुद नमाई क्या साधु क्या मलंग। जब खुद ही खुद नमा है फिर खुद नमाई क्या, मेरे ना सुकून की लज्जत फिर पारसाई क्या। गर कुफर में सुकून है तो कुफर में आके देख, पारसाई से करके तौबा मैं खाने जाके देख। बज़्मे रिंदा सजी है नहीं किसे से कोई नफरत, एक लज्जते सुकून है ना और कोई हसरत। मसलक की ना लड़ाई हर एक ही भाई भाई, यहाँ शेख जी भी निकले बोतल बगल दबाई। पूछा जो शेख जी से यहाँ क्या हो लेने आए, बोले सुकून की लज्जत जो लौट कर न जाए। मस्जिद में मैंने देखा तकरार हो रही थी, न जीत थी किसी की न हार हो रही थी। कैसी ये मुसलमानी मुझे कुछ समझ न आई, यहाँ सुकून हो मुयस्सर फिर कैसी ये पारसाई। न किसी से कोई खुश न किसी का पास है, खुदा के घर में रह के फिर भी उदास है।